नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीआर मेडिकल टिप्स चैनल पर। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैं आज आपको बताऊंगा डेक्सोना टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी। डेक्सोना टैबलेट का उपयोग, फ़ायदे, साइड इफेक्ट, डेक्सोना 0.5 mg की जानकारी। डेक्सोना टैबलेट स्टेरॉइड वर्ग की एक दवा है जिसका उपयोग बहुत सी इंफ्लेमेटरी सूजन पैदा करने वाली स्थितियों, एलर्जी और ऑटो इम्यून स्थितियों का इलाज करने के लिए किया जाता है। इस टैबलेट का इस्तेमाल बहुत से कैंसर के इलाज के लिए भी किया जाता है। डेक्सोना में शक्कर घटक एक्टिव इंग्रोटिव के रूप में स्टेराइड डेक्सोमेथासोन होता है। यह शरीर में सूजन या इंफ्लेमेशन पैदा करने वाले पदार्थों का बनना कम कर करके काम करता है। आपका डॉक्टर आपकी स्थिति के अनुसार आपके लिए डेक्सोना टैबलेट की डोज तय करेगा। इस दवा को डॉक्टर को बताए अनुसार ही दवा लें। आपको अपना दवा का कोर्स पूरा करना होगा। डॉक्टर की सलाह के बिना अचानक डोज बढ़ाने या दवा लेना बंद करने से बचें, क्योंकि इसमें आपकी बीमारी की स्थिति और भी बिगड़ सकती है। इस दवा के कारण मरीज के शरीर के लिए संक्रमण इन्फेक्शन से लड़ना मुश्किल हो सकता है। इसलिए अगर आपको दवा से इलाज के दौरान संक्रमण का कोई भी लक्षण दिखाई दे, जैसे गले में दर्द, घाव न भरना आदि हो, तो अपने डॉक्टर को इस बारे में तुरंत बताएं। इसके अलावा आपको भीड़ भाड़ वाली जगहों और संक्रमण पैदा कर सकने वाले जगहों और लोगों से बचकर रहना चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी गर्भवती हैं, प्रेगनेंसी गर्भावस्था प्लान कर रहे हैं या ब्रेस्ट फीडिंग स्तनपान करवाती हैं, तो डेक्सोना टैबलेट से इलाज शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर के बताएं। साथ ही उन्हें अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री की जानकारी भी दें। डेक्सोना 0.5 mg के उपयोग। डेक्सोना का उपयोग बहुत सी इंफ्लेमेशन से जुड़ी स्थितियां, एलर्जी और ऑटो इम्यून डिस्चार्ज का इलाज करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कुछ प्रकार के कैंसर के लिए भी किया जाता है। डेक्सोना 0.5 mg का उपयोग ना करें। कॉन्ट्रा डिएक्शन, अगर आपको डेक्सामेथासोन या दवा के किसी अन्य घटक से एलर्जी है। डेक्सोना 0.5 mg के साइड इफेक्ट, नुकसान। डेक्सोना टैबलेट के दुष्प्रभाव साइड इफेक्ट इलाज की डोज और अवधि पर निर्भर करता है। इसके कारण ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं, चिंता, पेट में गड़बड़ी, नींद न आना, मूड स्विंग होना, चक्कर आना, उदासी और बेचैनी महसूस होना। इस दवा का लंबे समय तक उपयोग करने से एडिनल ग्रंथि का कामकाज प्रभावित हो जाता है। अगर कुशिंग सिंड्रोम नामक एक बीमारी हो जाती है, इसे मून नामक एक विशेष स्थिति बनती है। साथ ही मोटापे की समस्या आती है और गुलाबी बैंगनी स्केच मार्क बनते हैं। इसके अलावा इस दवा के कुछ अन्य साइड इफेक्ट हैं, देखने में परेशानी, ब्लड डिस्चार्ज, त्वचा स्किन पर रिएक्शन, इम्यूनिटी कम हो जाना, हाई ब्लड प्रेशर और इंफेक्शन का मास्क इंफेक्शन के लक्षण बाहर से दिखाई न देना हो जाना आदि अन्य सामान्य चेतावनी। अपने डॉक्टर से बात करें। अगर आपको स्किन में एलर्जी है, ब्लड शुगर लेवल बढ़े हुए हैं या डायबिटीज है, आपको यह दवा लेने के बाद मूड में बदलाव महसूस होता है, दौरे आते हैं, मानसिक समस्याएं हो जाती हैं, खुद को नुकसान पहुंचाने का मन करता है आदि, आपको देखने में समस्या आती है या आंखों में इंफेक्शन जैसा लगता है। इसके लंबे समय तक इस्तेमाल करने से कैंट्रैक्ट मोतियाबिंद पनप सकता है। बुजुर्गों में हाड़ की समस्या, हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल ब्लड क्लॉटिंग से जुड़ी समस्या और लीवर तथा किडनी की बीमारियां हो सकती हैं। इस दवा से फर्टिलिटी, प्रजनन क्षमता पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए अगर आप प्रेगनेंसी होने की कोशिश कर रही हैं या फर्टिलाइज ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो सतर्क रहे। यह दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से इस बारे में बात कर लें। स्टेरॉइड थेरेपी के कारण आपकी मांसपेशियों में
मसल में कमजोरी हो सकती है या आपके माइस्थोथेनिया ग्रेविस हो सकता है। डायक्सोना पेट के विभिन्न हिस्सों जैसे पेट, अग्नाशय, पैनक्रियाज में सूजन और इन्फ्लेमेशन पैदा कर सकता है और अल्सर का कारण भी बन सकता है। अगर आप फंगल संक्रमण, खसरा और चिकन पॉक्स जैसे संक्रमण से पीड़ित हैं तो डायक्सोना आपको संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील सेंसिटिव बनाता है। डायक्सोना टैबलेट को नियमित रूप से डॉक्टर के बताए अनुसार लें। इस दवा को खाने के साथ या खाने के बाद लेना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में पानी या लिक्विड के साथ इसे पूरा निगल लें। डायक्सोना 0.5 mg ओवरडोज। डायक्सोना टैबलेट की ओवरडोज मेटाबॉलिज्म, उपास्य और हार्मोनल एक्टिविटी को प्रभावित करती हैं। ओवरडोज के लक्षण भी लगभग साइड इफेक्ट जैसे ही होते हैं, जैसे साल्ट इस बैलेंस, चेहरे पर सूजन आ जाना, पेट में गड़बड़ी और दिमाग से संबंधित साइड इफेक्ट। ओवरडोज के मामलों में अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाएं या अपने डॉक्टर से बात करें। डायक्सोना 0.5 का काम करने का तरीका। डायक्सोना टैबलेट स्टेराइड दवा है। तनाव या स्ट्रेस की स्थितियों के दौरान स्टेराइड हमारे शरीर के कामकाज को नॉर्मल बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। या इस प्रकार के हार्मोन होते हैं जो हमारे शरीर में ही नहीं बनाए जाते और शरीर के विभिन्न कामों के लिए जिम्मेदार होते हैं। यंग प्रत्यारोपण, आर्गन ट्रांसप्लांट के दौरान एलर्जी और सूजन के प्रति रक्षा प्रतिक्रिया इम्यून रिस्पांस को दबाते हैं और दर्द, सूजन और एलर्जी प्रतिक्रियाओं जैसे लक्षणों को कम करने में मदद करते हैं। दूसरी दवाओं के साथ इंटरेक्शन। कुछ दवाएं डायक्सोना टैबलेट के काम करने के तरीके पर असर डाल सकती हैं, साथ ही यह दवा भी उसी समय ली अन्य दवाओं के असर को कम कर सकती हैं। आप जो भी दवाएं सप्लीमेंट या हर्बल्स ले रहे हैं या आगे ले सकते हैं उनके बारे में अपने डॉक्टर को जानकारी दें ताकि आप किसी भी संभावित इंटरेक्शन से बच सकें। गर्भ निरोधक कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ डायक्सोना लेने से डायक्सोना का असर बढ़ सकता है। इसी तरह से अगर आपको कोई लाइव वैक्सीन लगवाए हैं तो इसके बाद 8 हफ्ते तक डायक्सोना नहीं लेना चाहिए। धन्यवाद।